हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सबका एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर, हमने स्टैड प्रो सीखा है, टैब सीखा है, उसे बीम कॉलम की डिजाइन कर हमको बहुत अच्छे से करनी आती है, बट अगर हमें स्लैब और फुटिंग की डिजाइनिंग करनी हो तो किससे करें और कौन सा सबसे बेस्ट है? तो आज इस बेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस उसके अलावा किससे कर सकते हैं उस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड, स्टैड प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज़ कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, करने के तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है पहले उसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है CSI Safe। अब तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें सबसे जो बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला है वो CSI Safe से मिला है। ठीक है, Safe सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फाउंडेशन मतलब फुटिंग और साथ ही साथ स्लैब सबसे बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हो। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट डायरेक्ट दिखा देता है, आप अपने हिसाब से बार का साइज दे दो अपने हिसाब से आपको, क्योंकि जब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पता चल गया और आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट बार, मान लो 8 mm का, 10 mm का, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है डिवाइड कर दो, जो भी आया उसको 1000 से डिवाइड कर दो, स्पेसिंग्स मिल जाती है मतलब एक एक मीटर पे। तो ये जिसने भी सीखा होगा उसको तो पता होगा, जिसने नहीं सीखा होगा उसको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, बट ये जान लो कि सॉफ्टवेयर में अगर किसी भी जगह पे स्लैब डिजाइन करना है और फुटिंग डिजाइन करना है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट CSI Safe। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन कौन कौन से। मान लीजिए सेफ से मेरी दुश्मनी हो गई या फिर CSI वाले से लड़ाई हो गई मेरी, आपकी मेरी नहीं, मेरी क्यों होगी, तो अब उसके लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शनल। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर जो यूज कर सकते हो फाउंडेशन के लिए, जो मैं रिफर करूंगा आपको वो स्टैड फाउंडेशन करूंगा, और स्लैब के लिए जो करूंगा वो मैं RCDC करूंगा। वैसे तो RCDC के अंदर भी फुटिंग की डिजाइन कर सकते हो, स्टैड फाउंडेशन के अंदर आप फुटिंग और स्लैब नहीं कर सकते, स्टैड फाउंडेशन के अंदर फुटिंग कर सकते हो, बट जो डाटा की बात करूं तो स्टैड फाउंडेशन के अंदर फाउंडेशन का अच्छा डाटा मिल जाता है, RCDC के अंदर स्लैब का, और स्टेयरकेस का भी RCDC के अंदर ही आपको डाटा मिल जाता है डिजाइन करके। तो ये दोनों ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन है क्या जिससे हम स्लैब का डिजाइन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। किससे? एनसिस से कर सकते हैं। किससे? एनसिस से कर सकते हैं, FEM मेथड से, मतलब फाइनाइट एलिमेंट मेथड से। फिर वो मेथड तो CSI Safe में भी अवेलेबल है, बट CSI Safe में दो मेथड है, स्ट्रिप्स मेथड है और दूसरा आपका ये FEM मेथड है, बट उसमें एनसिस में सिर्फ और सिर्फ FEM मेथड है जिससे आप करके उससे भी रिजल्ट निकाल सकते हो, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सेफ बताऊंगा सबसे बेस्ट, कि बहुत इजीली सॉफ्टवेयर से निकाल देते हैं इसको। किसी को और को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो नीचे कमेंट शेयर करना, क्योंकि देखो आप कमेंट पूछते हो तो मुझे पता चलता है अच्छा आगे आपको और क्या नॉलेज चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग की वीडियो हम लोग बनाते हैं। दूसरी एक और चीज कि आप इसको मतलब जो स्लैब है और जो आपका स्टेयरकेस कलो और फुटिंग, इन सबको आप एक्सेल से भी बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बहुत से बच्चों को बताया हुआ है, एक्सेल शीट से डिजाइन कर लो। एक्सेल शीट आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था बहुत पहले, आप सबने डाउनलोड किया होगा, तो एक्सेल शीट से चाहो तो डिजाइन कर लो, चाहे तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प लो। अब बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये सब तो चलो मैंने बताया ये सब होता है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं CSI Safe में ले जाता हूँ ETABS के डाटा को, और कभी कभी स्टैट के डाटा अगर है तो उसको हम पॉइंट्स को क्रिएट कर लेता हूँ जाके सेफ में। ठीक है, बन जाता है स्टैट के डाटा भी, वहाँ पर पॉइंट क्रिएट कर लो सेफ में, वहाँ से बन जाता है। फिर वहाँ से हम लोग रेनफोर्समेंट एरिया निकालते हैं, जो भी रेनफोर्समेंट एरिया आता है मेरा उसको मैं ले जाता हूँ एक्सेल शीट पर डाल देता हूँ, और एक्सेल शीट पर जाने के बाद हमें डाया बार्स मिल जाता है कि कितने डाया का कितना बार्स लगने वाला है। तो इससे क्या होता है, हमको पूरी कॉन्फिडेंस आ जाता है, भाई एक्सेल पे भी प्रॉपर डाटा आ गया, क्योंकि एरिया ऑफ एनफोर्समेंट तो सही सॉफ्टवेयर बताएगा ही, क्यों? क्योंकि वो लोड सही कैलकुलेट करता है, जो हम डालेंगे वही लोड लेगा, और लोड कहाँ से लेते हैं हम लोग, स्टैट से या फिर ETABS से लोड ले लेते हैं। इस तरह से मैं डिजाइन करता हूँ, तो इस तरीके से आप आराम से आप डिजाइन करके किसी को भी दे सकते हो। तो चलिए, स्लैब, फुटिंग और स्टेयरकेस मैंने बता दिया, अब बताओ आपको और कौन सी चीज़ के डिज़ाइन करने में समस्या जाती है, नीचे कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि आपके उस टॉपिक का हो। तो ऐसे ही कमेंट करके मोटिवेट करते रहो, साथ ही साथ लाइक, शेयर और ये सब जो भी होता है वो सब करते रहो। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस के साथ साथ अगर आप कमेंट करोगे तो आपके और अच्छे अच्छे वीडियोस आते जाएंगे, और मेरे को भी हेल्प होता है, इसलिए थैंक यू जो भी कमेंट करते हैं।